हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक गाइस। आज कोई, आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देखा है गाइस, ये कोई मोटो ब्लॉग नहीं है, बट मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था गाइस। मैं दिन भर, बिकॉज तुम लोगों को पता है कि मंथ एंड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऑफिस का काम कर रहा था, सोचा कि एक कंटेंट बना दूँ। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों को बोलना चाहिए। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर लोग ब्लॉग करना चाहते हैं, मेरे को DM करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, सर आप कौन सा कैमरा लेके ब्लॉग करते हो, प्लीज़ हमें बताओ। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन वही है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉग करना चाहते हो या मोटो ब्लॉग करना चाहते हो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से कैमरा यूज़ करता हूँ, मेरे इस जर्नी में मैंने यूज़ किया है, कौन से गलतियाँ मैंने किया है कैमरा को लेके, कौन सा मैंने लिया है, बेचा है। तो यही सारा चीज़ें हैं, छोटा सा ब्लॉग है, 8 मिनट का, देख लो, थोड़ा सा पीस होगा। बहुत देर से ऑफिस का प्रेशर था, बॉस का भी कॉल आया था, तो देख लो, उम्मीद करता हूँ अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, चलो, प्लीज़ गाइस देख लो, दैट्स इट। कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हो। चलो, तो गाइस इस तरह के कुछ शॉट के लिए मैं ये कैमरा को यूज़ करूँ। गाइस, सबसे पहली बात, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं शूट करता था मेरे इस फ़ोन से, आई हैव दिस फ़ोन, ओके, नॉर्मल फ़ोन, कोई भी अच्छा कैमरा वाला जिसका फ्रंट कैमरा अच्छा हो, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आप अपने इनिशियली, आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए आप क्या शूट कर रहे हो, उससे क्या होता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, पता चलता है। तो एक बेसिक सा कैमरा ले लो, और एक चीज़, एक छोटी सी माइक ले लो। तो मैंने एक माइक लिया था, लेवल ए माइक, कुछ 300 रुपी का था। तो वो दोनों चीज़ से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था गाइस, वो मेरा मेन चैनल में जाके चेक कर सकते हो। वो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस के ऊपर, बिकॉज तब मैं थोड़ा, 2 साल पहले मैं थोड़ा फिट था, मैं वेट थोड़ा कम कर रहा था, बट अभी तो फिर से मोटा हो चुका हूँ इनफैक्ट। तो इसीलिए मैंने उसी तरह से स्टार्ट किया था। और एक मेरे पास एक ट्राईपॉड था, ट्राईपॉड मेरा बहुत पुराना था, मेरे पास एक कैमरा था निकॉन D5100 बोल के, मैंने उसको इवेंचुअली सेल कर दिया, बिकॉज उसमें एक इशू था, मैं बोलता हूँ, वो DSLR में, वो बहुत पुराना था, उसका बॉडी में सिर्फ 10 मिनट ही रिकॉर्डिंग हो सकता था, 10 टू 15 मिनट्स ही रिकॉर्डिंग हो सकता था, और वो उसके फोकल लेंस नहीं थे, मतलब फोकल लेंथ 1855 था, एकदम लगता है कि मैं मुंह के सामने ऐसे होके बात कर रहा हूँ, और उसमें नॉइस आते थे, मेरे पास अच्छे लेंस नहीं थे, तो इसीलिए मैं और लेंस में वो सब में इन्वेस्ट नहीं किया। तो फ़ोन एक अच्छा था, तो उसी से मैं शूट करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैं फ़ोन से यूज़ किया कुछ दिनों के बाद। और गाइज, एक चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा से ही मुझे कैमरे का बहुत ज़्यादा शौक था, ओके, तो फिर मैं, और एक मैं चीज़ मानता हूँ पर्सनली, जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, वो सारे कैमरा को मैं सेल कर देता हूँ। जैसे मैं निकॉन D51 को कभी यूज़ नहीं करने वाला था, उसको मैंने सेल कर दिया था कुछ 18,000 में, ओके, विथ मेरे पास एक लेंस थी, उसको मैंने सेल कर दिया। फिर जाके मैंने लिया कैनॉन G7X Mark II, जिसको मैंने लास्ट वीक ही सेल किया था, बिकॉज कैनॉन G7X का मेरा काम ख़त्म हो चुका था, बिकॉज मेरे पास अभी है ये वाली कैमरा, देखो ये है, आप तुम्हारा कैनॉन M50 बोल के, जो कि बहुत ही अच्छा कैमरा है, और इसमें मैंने सेपरेटली वाइड एंगल का लेंस लिया हुआ है। तो बेसिकली ये कैमरा मैं 1-to-1 जैसे बात करने के लिए, मैं अपने मेन चैनल के लिए शूट करता हूँ, कैनॉन M50, और फ़ोन हो गया, और मेरा ये GoPro हो गया। GoPro को मैं यूजली, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मैं बाइक्स के वीडियोस बनाता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो मेरे पास बजट था, तो मैंने ले लिया था, ओके। बिकॉज गाइज, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब लोग तुम नए जॉब कर रहे हो या फिर नए 15-16 साल के हो, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन GoPro, बिकॉज GoPro इज़ वेरी कॉस्टली, $30,000-$32,000 होता है। तो जब इनिशियली बहुत से अच्छे अच्छे कैमरा है, जैसे DJI Osmo Action कैमरा, इट इज़ ए एक्सीलेंट कैमरा, ब्यूटीफुल कैमरा, ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी गाइज, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, ओके। आई टुक कैमरा नॉट बिकॉज, मैंने यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट नहीं किया है कि मुझे पैसा कमाना है, वो सोच के अभी तक फिलहाल, ओके,
मुझे मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, कैमरा पसंद है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यही चीज़ लेके आप लोग अपना वीडियो बनाना, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा इनफैक्ट सीरियसली। तो ये हो गया, फ़ोन हो गया, गोप्रो हो गया। गोप्रो मैं बाइकिंग के लिए, इसको मैं इसके लिए, मेरा बॉस का फ़ोन आ गया, बॉस का कॉल आ गया था, तो कॉल बॉस का कॉल तो लेना ही पड़ता, इम्पोर्टेंट है। तो गाइज बेसिकली यही मेन तीन है, एक मेरे पास ये कैमरा है, ये कैमरा है, ये कैमरा है, मेरे पास और एक खास कैमरा है वो भी बोल देता हूँ तुम लोग को, दिखा देता हूँ गाइज, दिस इज़ वन मोर किलर बीस्ट, ये जो कैमरा दिख रहा है, ओके, जिसको बोलते हैं इंस्टा 360 गो। मैं और एक कैमरा ले रहा हूँ, मैं वो बाद में बताऊँगा, आई एम गोइंग टू टेल यू, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कैमरा। तो दिस इज़ इंस्टा 360 गो। ये कैमरा मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मैं कुछ इस तरह के शॉट के लिए, जो कि मैंने पिछले वाले जस्ट मैंने जो कल वीडियो लोड किया था आप लोगों को पता होगा, उस वीडियो में जो स्टार्टिंग का जो क्लिप है, देख लो पहले ये वाला पोर्शन, फिर मैं बोलता हूँ। तो गाइस इस तरह के कुछ शॉट के लिए मैं ये कैमरा को यूज़ करता हूँ। ये कैमरा, ये बहुत ही छोटा है, ओके, और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा क्या है कि मैं बोलता हूँ तुम लोग, ये आपका इतना छोटा है, मेरा ये वाला जो उंगली है मुझे पकड़ने में, ये देखो ये उंगली का भी आधा आता है, ठीक है, इतना सा पोर्शन। बट ये कैमरा का खासियत है कि ये मैं 15 सेकेंड और 30 सेकेंड के मतलब इंटरवल में मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट हो गया है, ये 15 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। ये मेरा अभी 15 सेकंड पल्स किया हुआ है, पल्स बोल रहा हूँ, 15 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है, 15 सेकंड के बाद या 30 से, आप इसको 30 सेकंड भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल 1 मिनट भी हो गया है, तो 1 मिनट हो गया तो मैं इसको करके बंद कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में टेंशन नहीं होता है कि कैमरा ऑन है ऑफ है, और मैं ये दिन में मैं 15 सेकंड के कुछ ऑलमोस्ट तकरीबन 100 शॉट्स ले सकता हूँ, और जिसको मैं एंड ऑफ द डे मैं यूज़ कर सकता हूँ। और बेसिकली ये कैमरा को मैं यूज़ करता हूँ बी रोल्स के लिए। बी रोल मतलब अभी एक मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बोर हो जाते हैं बात करते करते बीच में कुछ सिनेमैटिक शॉट, तो मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ, इसको मैं इधर पर रख के बात कर सकता हूँ। इसको मैंने इस तरह से कुछ कर दिया, ओके, दिया इधर पे, किसी भी तरह से मैं इसको शॉट ले सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस 4 कैमरा राइट नाउ। और मैंने तुम लोगों को बताया कि मैं कैनन G7X को सेल कर दिया, तो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से मैं कैनन G7X को ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे अच्छा दाम मिल गया, कुछ 18,000 कुछ आई गॉट इट, और मैंने लिया था 2.5 साल पहले, तो इसीलिए मैंने सेल कर दिया। जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता, मुझे ज़्यादा कि मैं कभी यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, ओके, तो मैंने उसको बेच दिया। और कैनन G7X का और एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, आई विल टेल यू, उसमें आपका माइक का सेटअप नहीं था, ओके, मतलब माइक साउंड क्लैरिटी बहुत गंदा था। जैसे मेरे पास GoPro है, GoPro में मैं अडेप्टर लगा के मैं बात कर सकता हूँ, माइक में उसकी क्लैरिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसमें मेरा बोया का माइक दिया हुआ है, तो इसका भी साउंड क्लैरिटी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बट उसमें क्या था, कैनन G7X में उसमें कोई माइक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इशू था, तो इसीलिए मैंने उसको मैंने सेल कर दिया। तो गाइस सारे यही सारे बातें हैं, तुम लोग कुछ भी डाउट है मेरे को लिख सकते हो, कुछ भी जो भी मुझे आता है, ये मेरे सब्सक्राइबर लोगों के साथ मेरा चैनल है, रियल चैनल है, रियलिस्टिक चैनल है, जॉब करियर कैमरा गैजेट जो भी मुझे पसंद है मैं आप लोगों से इस चैनल पे शेयर करता हूँ, ठीक है, ओके। और ये वाला मेरा वॉल है, आप लोगों को पता है, ये मेरे मेन चैनल में जाके वो वाला एपिसोड चेक कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ भी पोस्टन है तो मुझे लिख सकते हो, इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, एनी डाउट जस्ट लाइक।